요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 신경 가고 봐봐 얼굴이 탁 되고 고민이 생겼니 हेलो नमस्ते बेकुनर जुजू। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हाल ही में नायका में चल रहा था नायका हॉट पिंक सेल, जो कि 22 जुलाई से 26 जुलाई तक था। तो मैंने भी कुछ सामान लिया है। तो मैंने क्या क्या लिया है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर कोई भी सामान उसमें से पसंद आता है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। और मैंने पहली बार नायका लग्जरी स्टोर से मैंने कुछ सामान लिया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये दो ब्रशेस लिए हैं, ये मेरे बेटे के लिए हैं। एक है एक्वा वाइट से और ये है मॉरिसन का। मॉरिसन का मैं बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ अपने बेबी के लिए, तो बहुत अच्छा है। पता नहीं ये कैसा होगा, ये 4 ईयर प्लस है इसलिए मैंने इसको खोला नहीं, लेकिन इसको मैंने खोला है। काफ़ी अच्छा है ये भी, अच्छा क्वालिटी का ब्रश है। ब्रशेस इतने सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ओरल बी से तो सॉफ्ट ही है। तो ये है पहला। तो नेक्स्ट है एक आई प्रोडक्ट, जो कि ये पेन आईलाइनर है। ये ब्लू हेवन से है, इंस्टेंस आईलाइनर, इजी स्केच, एक्सट्रीम ब्लैक, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, लाइट वेट, वन स्टॉप फिनिश। तो काफ़ी दिनों से मैं एक पेन आईलाइनर लेना चाहती थी, लेकिन जो मेबिलिन का होता है, लेकमे का होता है, वो काफ़ी प्राइसी आता है। इसकी वजह से मैंने जब ये देखा ना, तो मैंने सोचा कि लेना चाहिए। इसका देखिए टिप देखिए, काफ़ी अच्छा है, विंग आईलाइनर बनाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी ब्लैक है ये, अच्छा है, कोई स्मेल नहीं। कुछ कुछ होता है ना काजल्स में, स्मेल होता है, तो इसकी वजह से मैं देख रही थी। तो लगाने के तुरंत बाद मैंने किया ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मच हो रहा है, लेकिन सूखने के बाद स्मच नहीं होगा। हाँ नहीं हो रहा है। तो ये है नेक्स्ट है मेरा नेल प्रोडक्ट से, जो कि ये कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर है। मैं पहली बार कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करूँगी। उससे पहले मैं लेकमे का, एलिएटिन का और एनवाई बे का यूज़ किया है, जो कि अच्छे हैं, लेकिन नेल एनवाई बे का जो है स्मेल काफ़ी ख़राब है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। उसको यूज़ करने के बाद भी, काफ़ी टाइम तक धोने के बाद भी उसका स्मेल नहीं जाता। तो ये एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर है, 110 ml का क्वांटिटी है और प्राइस है 125 का है। बड़ी बॉटल है, बॉटल भी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक का है लेकिन ग्लास के जैसा दिखता है। इसका भी स्मेल है, लेकिन इतना ख़राब स्मेल नहीं है। इसमें छेद नहीं किया मैंने अभी, तो इसकी वजह से अंदर से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन है कुछ स्मेल है। तो मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़ा था कि इसका स्मेल नहीं है, इसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था। नहीं ज़्यादा देर तक रहता है, ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है। तो नेक्स्ट है मेरे कुछ नेल पॉलिश। जी हाँ, मैंने 3 नेल पॉलिश पे लिया है, जो कि ये है मिस क्लेयर का जेल नेल पॉलिश है, ये शेड नंबर G14 है। मिस क्लेयर की लिपस्टिक मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी है वो भी, लेकिन जेल नेल पॉलिश मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। और ये भी मिस क्लेयर का ही जेल नेल पॉलिश है, जिसका शेड नंबर है G4, जो पीच कलर में है या लाइट ऑरेंज कलर कह लो आप, उस कलर में है। और नेक्स्ट हमारा ये LE18 कलर में, जो मेरून कलर में है और ये शाइन करता है, और ये शेड नंबर है 02। तो ये है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला कॉटन बॉल्स। तो ये मेरे घर के पास में भी मिलता है, लेकिन कोरोना ज़्यादा हो रहा है ना मेरे यहाँ पे, तो इसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं रही हूँ और ले भी नहीं रही हूँ। लेकिन मुझे नायका में मिल रहा था और थोड़ा सस्ते में भी मिल रहा था, तो मैंने इसलिए उठा लिया। वाइट्स भी है, वाइट में यूज़ कर चुकी हूँ, अच्छा है, लेकिन ये सोचा कि इस बार थोड़ा कलर्स में लेके देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, इसमें 50 पीसेस हैं, 50 बॉल्स हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिया है कुछ लिप प्रोडक्ट। मैंने कुछ लिपस्टिक भी ऑर्डर किया है, लेकिन कुछ अफोर्डेबल प्राइसेस से, कुछ हाई एंड तक में हैं। इतनी सारी लिपस्टिक मैंने नहीं लिया है, लेकिन 2-4 जो भी लिया है वो मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले अफोर्डेबल प्राइस में से जो मैंने लिया है वो है ब्लू हेवन का पाउडर मैट लिपस्टिक। तो ये देखिए, इसका पैकेजिंग इस तरीके से आता है, जो कि नॉर्मल है।
सारे लिपस्टिक के जैसा। मैंने निधि कटिया जो कि एक यूट्यूबर है उनकी IGTV पे मैंने देखा था कि मैक का रूबी वू और ये ब्लू हेवन का रूबी ग्लो जो है ये उसका ड्यूप है मैक का। तो ये मुझे मैक का रूबी वू का जो शेड था बहुत पसंद था, लेकिन फॉर्मूला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इतना महंगी हाई एंड लिपस्टिक होने के बाद भी ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, लगाने के कुछ घंटों के बाद ही फेड होने लगता है, तो मुझे इसीलिए पसंद नहीं है। तो निधि कटियार का कहना है कि ये उसका बिल्कुल ड्यूप है, शेड भी सेम है और ऑलमोस्ट फार्मूला भी सेम है, तो पता नहीं कैसा होता है। मैंने ये लिपस्टिक शेड की वजह से ही लिया है। स्वाचेस में बाद में दिखाऊंगी, यानी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, इसी में ऐड कर दूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो लिपस्टिक का स्वाचेस वाला वीडियो वो अलग से आएगा, उसमें आप देखिएगा। तो पैकेजिंग इतना खास नहीं है, बस ये नॉर्मल है, बहुत हल्की प्लास्टिक में है, इतना खास नहीं है ये। तो ये था। नेक्स्ट मैंने लिया है एक लिप टिंट जो कि फेस ऑफ से है, जो वाटर फिट टिंट एक्स 5 ग्राम का लिप टिंट है। ये केवल लिप टिंट ही नहीं है, आप इसको चिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, अगर सुबह लगाओगे तो शाम तक ये आपका हटेगा नहीं, ऐसे ही पिंकी पिंकी करके दिखने लगेगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा है। इसका शेड नेम है पिंक मेट, ये देखिए पिंक कलर में है। मेरी बहन कहती है मुझे कि तुम जब भी लिप का कोई प्रोडक्ट लेती हो ना तो पिंक कलर में ही लेती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे पिंक वाला शेड वाले लिपस्टिक हैं, तो ये टिंट भी मैंने पिंक में ही लिया है, अच्छा है। मैंने अभी लिपस्टिक के ऊपर ये टिंट लगाया हुआ है क्योंकि मेरा लिपस्टिक बहुत वॉश आउट कर रहा था, तो इसके वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर में दिया है, तो लिपस्टिक को पिंक कर दिया इसने। ये देखिए मैंने लगाया था, लगाने के बाद मैंने धो भी दिया था, लेकिन यह पूरी तरीके से हटा नहीं, यह हटता ही नहीं है। जैसे कि आपको पता है टिंट है तो ऑब्वियसली अपना टिंट छोड़ेगा ही, नहीं छोड़ेगा तो कहाँ से टिंट हो गया ना। तो ये है। तो जैसे मैंने बताया कि नायका के लग्जरी स्टोर से मैंने पहली बार शॉपिंग किया है, वो है ये स्मैश बॉक्स का लिक्विड लिपस्टिक। तो मुझे ये फ्री में मिला है, ये एक प्राइमर है, तो बाद में बताते हैं इसके बारे में। तो ये लिपस्टिक जो है स्मैश बॉक्स एक्स मालविका ऑलवेज ऑन मिनी मैट डुओ लिपस्टिक है, जो कि मालविका सतलानी जो कि एक ब्यूटी ब्लॉगर भी है और एक फेमस यूट्यूबर भी है, तो उनके साथ में कोलोबोरेशन में ये लिपस्टिक आया हुआ है। लिमिटेड एडिशन है, जिसका स्टॉक जब तक ही रहेंगे तब तक ही मिलेगा, स्टॉक आउट होने के बाद आपको नहीं मिल सकता। इसके जो लिपस्टिक के बॉटल्स हैं ना काफ़ी क्यूट है, इतने ही है। तो इसके स्वाचेस और इसका बॉटल में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि लिपस्टिक स्वाचेस वाले वीडियो में। इसके अंदर दो है, एक है ड्राइवर सीट और एक है बेब अलर्ट, तो दो लिपस्टिक है। इसका जो क्वांटिटी है 0.9 ml है, यानी 1 ml से भी कम क्वांटिटी में है, काफ़ी कम है देखा जाए तो पैसे के हिसाब से। तो इसका बड़ा वाला जो ट्यूब आता है वो 2000 के ऊपर में आता है, एक बड़ा वाला लिपस्टिक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, ठीक है जल्दी जल्दी हम लोग यूज़ कर लेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक ही है। और बाकी जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं और यूज़ भी नहीं होता है तो हम लोग का वेस्ट हो जाता है, तो इसके वजह से मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। तो इसके साथ में मुझे ये प्राइमर आया हुआ है, जब मैंने देखा ना कि एक फ्री प्रोडक्ट भी ऐड हुआ है तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं तो कभी फाउंडेशन यूज़ करती नहीं हूँ, तो कैसे यूज़ करूँगी ये प्राइमर को। जब आया रियल में तो इतना छोटा देख सकते हो, तो ये हाई एंड ब्रांड भी है और अफोर्डेबल भी है, दोनों एक साथ में है। तो मेरी आज की वीडियो में यही तक था, मैंने इतना ही सामान लिया है, इतना ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि जितना ज़रूरत होता है ना उतना ही लेना अच्छा होता है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को देखते रहो, पसंद करते रहो या कमेंट करते रहो, सजेशन देते रहो, मुझे अच्छा लगता है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।